सॉरी 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 अंकल सॉरी। अरे सुनिए, क्या चाहिए? लड़की। अब देखिए, ये पुलिस स्टेशन है, लड़की के लिए ना यहाँ से सीधा जाइए, वहाँ लेफ्ट लेंगे ना। अबे यहाँ पर रुक ले, उनके लिए खुले। अबे बुड्ढे, कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल कर। अब इसमें उम्र की कौन सी बात है? ना मुंह में दांत, ना पेट में हाथ, लेकिन दिल में भड़क रही है अरमानों की बारात। चुप। अरे अपनी लड़की को शिकायत कर देंगे ना तुम्हारी, हैं तो मुंह से हाथ, पेट से दांत निकाल के हाथ में धर देगी। सब ठीक है। लड़की तो ऐसे कह रहे हो जैसे कहीं लड़की ना हुई, हमारी चंद्रमुखी चौटाला हो गई। अरे बिटिया। अरे बापू, ना खतना तार, कम से कम फोन कर देता, मैं सरकारी गाड़ी भिजवा देती थारे लिए। चल कोई बात ना, कोई टेंशन कोई परेशानी तो ना हुई, बता दे। बाबा मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, पानी। मैं आपके लिए तत्ती तत्ती चाय लेके आता हूँ। अरे बापू इधर बैठ, मारी कुर्सी में बैठ बापू, बैठ। और बापू यो बता, ऐसे अचानक कैसे आ धमका भाई? बस एक ही चिंता जो हमको हमेशा सताती रहती है, वो है तुमने शादी की। सगा बाप हूँ ना। अरे वैसे बापू, एक सीधा सादा सुशील लड़का तो मारी नजर में भी है। अच्छा कहाँ है भाई? अरे यो मारे साथ ही काम करता है, वेट मैं अभी आवाज लगा देती हूँ। अच्छा। अरे मक्खन सिंह ये है? अरे ना बापू, यो ना है, ज्यादा मजे में ना, पानी दे और निकल। सॉरी, निकल ले अब, निकल। अरे मक्खन सिंह, जो माँ का दूध पिया ना, तो बाहर को निकल। छी 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 मिस्टर डाला, ये कोई बात करने का तरीका है? मक्खन सिंह मक्खन सिंह है, हम दूध पीते हैं तो आप उसका मजाक बना रही है? यो ये, ये? अरे यो मारे बापू है, चल पैर छू। तुम्हारे बापू है? हेलो अंकल, पाए लागू। अंकल ये बटुआ जाना पहचाना सा लग रहा है आपका है शायद। और ये तुम्हारे पास कहाँ से आया भाई? ये तो मेरे को जमीन पे मिला, तो मैंने उठा लिया और मेरे को लगा कि जिसका भी होगा मैं उसको वापस कर दूंगा। मुझे लगता है ये आपका ही है। इसमें 3,340.50 पूरे के पूरे हैं, मैंने तो खोला भी नहीं। अरे ये तो सच में बहुत सीधा साधा सुशील लड़का है। तो अंकल ये बताइए, आपका आना कैसे हुआ? कहा है ना कि हमको अपनी बिटिया की शादी की चिंता सता रही है, सोचते हैं जल्दी से एक ठो सीधा साधा सुशील सा लड़का मिल जाए तो इसके हाथ पीले करके गंगा नहा ले। सगा बाप हूँ ना। अरे अंकल आप चिंता मत करिए, इनके हाथ तो हम पीले कर देंगे, आपसे ज्यादा इनकी शादी की चिंता तो मेरे को है। अच्छा आप वैसे बात करिए, बहुत लंबी लंबा सफर होगा, बात करिए, हम आते हैं, हम आते हैं। अरे तो बापू कैसी लगी मारी चॉइस? अरे बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल तुम्हारे लायक है। खूबसूरत है, काफी आइटम है। सर मैं तो सिर्फ लिखाई पढ़ रहा था, मैं चित्र थोड़ी देख रहा था। आई एम करंट ब्लाइंड, करंट ब्लाइंड। हम अंदर आ सकता हूँ? सर क्या मुंह में अंदर आएंगे क्या? मजाक कर रहा हूँ, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे आप मिस चौटाला के बापू हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। बहुत फनी हो भाई। अच्छा अंकिल, आई नो यू हैव नो माइंड, मेरा मतलब है आई नो यू डोंट माइंड। आई हैव टू आस्क वन क्वेश्चन, ये बताइए कि आप असल में उस चौटाला के पापा है? का है? डिंपल अंकल। मेरा मतलब है सिंपल अंकल। क्या है कि आप इतने खूबसूरत हैं, वो इतनी बदसूरत, ऊपर से आप बिहारी बोलते हैं वो हरियाणी, तो बात को जम नहीं रही है सर। अरे बहुत लॉन्ग स्टोरी है भाई। वो कहा है कि ना हमारे ससुराल वाले जो हैं वो चौटाला सरनेम इस्तेमाल करते हैं, और जो है उनके एक ठो रिवाज है कि शादी के बाद लड़के को चौटाला सरनेम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, तुम भी शादी के बाद में हनुमान प्रसाद चौटाला हो जाओगे। अच्छा क्यों? वो सब छोड़ो, ये बताओ तुमको खाना वाना बनाना आता है ना? क्यों? वो चौका बर्तन करना, झाड़ू पोछा करना, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आता है कि नहीं भाई? क्यों? अरे शादी के पहले सब पूछना पड़ता है भाई, चंद्रमुखी की अम्मा भी हमसे पूछ ही रही। सगा बाप हूं ना भाई। कौन बात नहीं, देखो तुम आराम से शाम तक सोच समझ करके जवाब हमको दे देना। ओके बाय। अबे यार ये तो मेरी बात कर रहा है। नाम? अरे नाम में क्या रखा है, मेरा काम पूछो यारो। अबे पक्का मत नाम बोल। हाँ मेरा नाम है पप्पू प्रीतम, आप है ना इनके खिलाफ FIR लिखो, क्योंकि दिल का खिलौना है टूट गया, ये लुटेरा आके लूट गया। सुने? मतलब की बात कर, मतलब की। करता हूँ करता हूँ। देखिए आज से 20 साल पहले मेरे पिताजी से इन्होंने वादा किया था, इनकी बेटी फूलझड़ी की शादी मुझसे करवाएंगे,
लेकिन आप 20 साल के बाद ये खुद भी मुकर गए और इसकी बेटी फुलझड़ी भी मुकर गई। आप है ना इनके खिलाफ FIR लिखो। अरे भूल जाए वो सब चीजें। देखिए 20 साल पहले जब इसके पिताजी से मैंने वादा किया था ना, तो मुझे क्या पता था कि ये बड़ा होके ऐसा निकम्मा नाकारा और बेवड़ा होने का। तुम्हारी उसके साथ कभी शादी नहीं होगी, समझे? नहीं, मत कीजिए इसकी जवानी की बर्बादी। अंकल प्लीज कर दीजिए ना आपकी बेटी की इससे शादी। ए, इतना है तो तू कर लेना। क्या? हाँ नहीं, लेकिन वो फिर फुलझड़ी। अबे फूलझड़ी छोड़, मैं तेरे लिए पटाखा लेके आ रहा हूँ, पटाखा। नहीं नहीं, मुझे तो फूलझड़ी के साथ ही शादी करनी है। अबे तू कैसा घोंचू आदमी है यार, मैं तेरे लिए पटाखा लेके आ रहा हूँ और तेरी सुई फूलझड़ी बैठ की भी है। नहीं नहीं, मुझे तो फूलझड़ी के साथ ही शादी करनी है। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। मतलब तू नहीं मानने वाला? नहीं। मतलब तू बिल्कुल नहीं मानने वाला? बिल्कुल नहीं। मतलब तूने ठान लिया कि तू नहीं मानने वाला? नहीं नहीं नहीं। तो बताओ तुम शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ भैया, मैं करूंगा। जो तुम कहो पसंद वही बात करेंगे, तुम जिसे कहो उसी के साथ शादी करेंगे। हाँ ठीक है मनोज कुमार, अब जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना, और कल अपने आप थाने में पहुंच जाना, ठीक है? अब निकला से। अच्छा तो हम चलते हैं। चलिए 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 आप। गोपे, ओ गोपे। हाँ जी जी। गोपी, तुम्हें पता कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना एक अजीज दोस्त माना। जी गोपी मेरे दोस्त, आज मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। कैसी जरूरत सर? अबे शट अप इडियट। यार वो चौटाला के जो पापा हैं, वो हमारी शादी जबरदस्ती मिस चौटाला से कराना चाहते हैं। अरे यार तुम्हें तो पता है मैं एक हनुमान का पुजारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, और वो है एक आफत की बीमारी। देखो गोपी, अगर तुम मेरे दोस्त हो तुम मुझे इस शादी से बचाओगे मेरे दोस्त, मेरी इज्जत लुटने से बचाओगे दोस्त। ताऊ जी मुबारक, होने वाले दामाद ने बुलाया है। पर मुझे शादी में बुलाओगे ना? अरे जरूर बुलाएंगे भाई, जरूर बुलाएंगे, सगा बाप हूं ना। ये रहे दामाद जी। सर जी, ससुर जी। Hey darling, मेरी जान। अच्छा कैसी है तू? कैसी है तू? ये सब का है भाई? अरे ये सब है चिकन, इसमें है अंगूर का जूस, और ये है गजरा। पर ये सब तुम्हारे साहब ने कहा है? अरे ताऊ जी, ये तो सर जी का रोज का क्रियाक्रम है। रोज का कार्यक्रम है, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो भाई, सगा बाप हूँ ना। बंद करे सगा बाप शर्ट खोल इसमें यार। अब देख बे, तू अबे गांव से आया, तू मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरा जिगरा है, दिल का टुकड़ा है। अब आज रात तेरी सेटिंग कराऊंगा, तेरी सेटिंग कराऊंगा मैं आज रात। मुन्नी भाई के कोठे पे तेरा ऐसा सेटिंग नहीं कराया ना बाप। मुन्नी भाई का कोठा? तो अंकल जी हम जा रहे हूँ चंपा गली, हम आ रहा हूँ। ओके ताऊ जी, आप चिंता ना करो, मैं हूं ना। अभी जब तुम्हारे साथ अपनी बिटिया की शादी थोड़ी करेंगे। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, आपकी बेटी के लिए ना मेरी नजर में एक बहुत ही चंगा शरीफ लड़का है। है? एक लड़का है? जल्दी बता भाई सगा बाप हूं। अरे बिटिया समझे, कोशिश करो, ससुरा हनुमान प्रसाद पीता है भाई। अरे बापू मन ने सब बेरा है ना, मक्खन सिंह सवेरे भी पीता है, दोपहर में भी पीता है, रात में भी पीता है, वो भी बड़ा गिलास भर के। दूध पीने का शौकीन है ना ही मैन। अरे भाई वो मुन्नी भाई के कोठे पर भी जाता है। अरे मुन्नी भाई ना, मुन्नी भाई का तो नाम ही ना ले बापू, बगैर लाइसेंस के कोठा चलाती है। मैं भी गई थी मक्खन सिंह के साथ। का जमाना आ गया भाई, कान खोल करके सुन लो, हम तुम्हारी शादी उस ससुर क्या कहते हैं हनुमान प्रसाद से नहीं होने देंगे, सगा बाप तुम्हारा। ताऊ जी ये आ गया। अरे अरे के मूठा है, किसने लेके आ रहे हो, कौन है यो भाई? ये है देश विदेश के मशहूर मछुआरे पप्पू प्रीतम। चुप करो, अब तो अपना मुंह तो बंद रखो, समझे कि नहीं? अब बेटा क्या काम करते हो? मछली मारता हूँ। ये तो एकदम मामूली मछुआरा है भाई। अरे नहीं नहीं अंकल, इनकी सूरत मत जाइए, इनका मतलब है कि इनका मछली मारने और बेचने का देश विदेश का बहुत बड़ा व्यापार है कि नहीं? तुम तो एकदम चुप रहो, समझे? अरे एक मिनट, कोई मन ने बताएगा ये पूरा ड्रामा के हो रहा है बापू? बिटिया कहा है ना कि हम इसको तुम्हारे शादी के लिए बुलाए। मारी शादी नहीं इससे। अरे तू बड़ा हो गया क्या बापू? अरे चुप, हमको अपना फर्ज निभाने दो, सगा बाप हूँ हम तुम्हारा।
बेटा आज तो तुम शादी के लिए तैयार हो ना? नहीं, ऐसा मत करो वरना मैडम देंगी रो। गुलगुले मैडम को कोई आइडिया तो दो। मैडम मैडम जरा एक मिनट इधर, एक मिनट। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही पलंग तोड़ हड्डी फोड़ आइडिया आ रहा है। सॉरी हड्डी फोड़ूंगी तब देगा मन्ने आइडिया, अरे मेरी शादी हो जाएगी जल्दी बोल। मैं मछली उठा सकता हूँ इंसान को नहीं, प्लीज। बापू यो जो है ना हमारी शादी के लिए आया ना, इसे मैं कुछ प्राइवेट पर्सनल में दो मिनट बात करना चाह रही हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं बिल्कुल करिए, पूरी जिंदगी का सवाल है, इत्मीनान से करिए, इत्मीनान से करिए, जाइए। तुम बिल्कुल मुंह मत रखो अपना। हाँ बिटिया जा जा करके बात कर लो। पप्पू चल साइड में। ना मत करना बेटा, सगा बाप हूँ ना। पक्का? जाओ का बार बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो हाँ तो अंकल अच्छा लगा। जब बेटा पांडू तो कटिंग ले गया एक पिज्जा भी। अरे तंडे तो मैं मच्छी फ्राई खिलाती हूँ, मारे ढगाला लागली कड़ा। यो बता कि तू मारे से शादी करना चाह रहा है? हाँ मतलब डेफिनेट डेफिनेट मतलब शादी किए बगैर मानेगा नहीं तू? बिल्कुल नहीं। तो सही है बेटा। आप मुझे मार नहीं सकती क्योंकि अगर आपने मुझे मारा और मेरे शरीर पे कुछ निशान बन गए और लोगों ने देख लिया तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? अरे बॉम्बिल फ्राई उसकी तू टेंशन कोई ना ले क्योंकि ईब चौटाला तन्ने ऐसी जगह मारेगी ना कि तन्ने निशान कोई ना पड़ेंगे और जो निशान पड़ गए तो तू किसी ने दिखा ना पाएगा। ओके जरा डिटेल में क्लियर करेंगे प्लीज? अभी कर रही हूँ क्लियर, तू इधर लेट जा यहाँ पे। ओके या शादी करेगा उठ 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 कैसी लगी? अरे वाह क्या मारा है, निशान तो कहीं ना है? बिल्कुल निशान नहीं दिखता। आए, आए, आए। तो बता ईब करेगा मारे से शादी? चल बेटा लगता अभी से बहुत घुल मिल गए हैं। हाँ मैडम घोल रही होंगी। क्या बिटिया पप्पू पास हो गया? अरे बापू तू खुद ही पूछ लेना। क्यों बेटा तुम शादी के लिए तैयार हो ना? शादी इनके संग ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ये तो सारा माहौल ही बिगड़ गया, बाग बसने से पहले ही उजड़ गया। अरे चुप अपनी कविता बाद में सुनाना। बेटा ना मत कहो, सगा बाप हूँ ना। पक्का? का मतलब? एक मिनट अंकल, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लगता है कि लड़के के कोई डिमांड आ गए हैं। आप चिंता मत करिए, हम अकेले में लड़के से डिमांड की बातें कर लेंगे अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं 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 अंकल अंकल नहीं, ये मुझे डिमांड पे नहीं, ये मुझे डिमांड पे लेगा, प्लीज मुझे बचा लो। नहीं नहीं बेटा बेटा चल आ जाओ इसके साथ, चला जा खुल के सब बता जा। आओ आओ तुम्हें खोलता हूँ। आइए आइए अंकल। घर में भाई बाप है कि नहीं? क्या बोल रहे थे भाई? शादी करोगे कि नहीं करोगे? शादी करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करूंगा। अब बता शादी करेगा कि नहीं करेगा? गुड। मछली प्रॉन्स 250 रुपए किलो। चुप। लगता है डिमांड बहुत ज्यादा है। हाँ जी जी एक एक करके सब अंतर पूरी हो रही हैं। मुबारक हो मुबारक हो, लड़के ने शादी के लिए हाँ कह दिए। बोल शादी करेगा ना? शादी करेगा? अरे बधाई है बधाई। अरे अंकल बहुत खाइए। हमने कहा खिलाइए। गोपे 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 सारे गए? वो क्या है ना सर, सब लोग शॉपिंग के लिए गए। शॉपिंग? कैसी शॉपिंग? अरे वो कल अपनी मैडम का एंगेजमेंट है ना सर, आपकी आंखों में देख के ऐसा लग रहा है कि आपको मैडम से प्यार हो गया है। तेरे को बहुत पता है, गोटियां खिलूंगा तेरी आंखों से। पीछे क्लास कर रहा है यार। यार यार
के बात होगी मक्खन सिंह, बड़ा दुखी सा दिख है। मैं क्यों दुखी हूँ भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ओहो ठीक तो कतई ना दिख रहा, थारी शक्ल पे तो 12 से बज रखे हैं। चल वो छोड़, तू मन्ने बता मैं यो नई ड्रेस में कैसी लग रही। दिल जले। भाई शादी के बाद तो ऐसी ड्रेस पहनूंगी ना, वर्दी कोई ना। दिल जले। भाई मैंने तो आज तक बड़ी कोशिश की कि तू हमारा दिल देखे, मारे जज्बात देखे, पर वो तो तूने देखे ना। तू ही ड्रेस देख के ही बता दे कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी है। भाई मक्खन सिंह ना, मैंने घनी कोशिश करी कि तू हमारे बच्चों का पापा बने, पर मन ने तो लगता है कि तू मामा ही बनेगा। मामा चंद्रमुखी, हाउ डेयर यू, मैं तुम्हारे बच्चों का मामा नहीं पापा बनूंगा, समझी पापा। अरे मक्खन सिंह, बोलने से ही कुछ ना होता, कुछ करके भी दिखाना होता है। ये ले, करके दिखाता हूँ। आपने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा सर। और आप क्या कह रहे थे सर, आप पापा बनेंगे मैं मम्मी बनूंगा क्या? शट अप, शट अप। देखो गुलगुले, अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो इस हादसे को तुम भूल जाओगे, समझे? ठीक है सर, मैं तो भूल जाऊंगा सर, मैं तो भूल जाऊंगा, लेकिन लेकिन आप मेरी एक बात याद रखिएगा सर। सर मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ सर। सर एक लड़की थी अंजलि नाम की, वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी सर, लेकिन लेकिन मैंने कभी उसकी मोहब्बत को समझा ही नहीं। और जब मैंने उसकी मोहब्बत को समझा, उसकी मोहब्बत को जाना, तब तक बहुत देर हो चुकी थी सर। अंजलि की शादी हो गई थी सर, उसकी शादी हो गई थी। वो मेरी मुट्ठी से रेत की तरह निकल गई। मैडम भी आपके हाथ से निकल जाएगी सर, कल उनकी सगाई होगी, परसों उनकी शादी होगी, और वो आपके हाथ से निकल जाएगी, और आप हाथ पे हाथ धर के देखते रहेंगे सर। प्लीज सर, प्लीज इस शादी को रोके सर, इस सगाई को रोके सर, प्लीज कुछ करिए सर, प्लीज प्लीज कुछ करिए सर, प्लीज कुछ करिए। अरे यहाँ खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो, जाओ देखो हलवाई मिठाई उठाई बना रहा कि नहीं भाई। हाँ जल्दी जा, अरे यहीं छोड़ के चला गया। आ जाओ दूल्हे राजा जी, आओ बताऊं। हाँ दूल्हे राजा आ गया। अरे दूल्हे राजा, तुमने जैसा सुंदर सुशील लड़का जो है ना, हमारे बिटिया के लिए नहीं मिलता भाई। हम सुशील नहीं, पप्पू है। अरे बिटिया, ए बिटिया, देरी नहीं होनी चाहिए, ला हाथ दे वरना काट के ले लूंगी। फुलझड़ी तुम? पप्पू मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा बाप? मैं भी तैयार हूँ। तुमसे शादी थोड़ी करनी है। अरे इसके साथ तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैडम अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं शादी के लिए श्री गणेश करूँ। ओ भाई मेरे, ज्यादा आज्ञा ना ले, यो ले अंगूठी और लड़की के हाथ में पहना दे, इससे पहले कि मैं तन्ने प्राइवेट में ले जाके कुछ समझा दूं। नहीं आरिया, लेकिन बिटिया है, तुम्हारी शादी का क्या होगा भाई? अरे बापू तू मन नहीं, माफ कर दे, देख तू नया नया आया है मारे थाने में ना, ज्यादा दादागिरी ना दिखा। इन बालकों की शादी हो जाने दे, मारे हाथ तो पीले हो ही जाएंगे। हम सब समझ गया हूँ, शहर के जितने लड़के होते ना सब ससुर लुच्चे लफंगे होते हैं। तुम चिंता मत करो बिटिया, हम तुम्हारे लिए ना हिमालय से एक सुंदर सुशील लड़का खोज करके लाएंगे। सगा बाप हूँ हम। पक्का? अभी नहीं। मैडम अब हम लोग चले। सुनो भाई बालकों। हाँ जी जी। अरे तुम के खड़े हो, बरातियों का स्वागत जरा ढोल बजा के करो, दूल्हा दुल्हन ने लेके जाओ, जाओ भाई। अच्छा लगा रखा है। अरे तू कहाँ जा रहा है मक्खन सिंह, जरा इकबाल जुर्म तो करता जा, यो सब तूने इसलिए किया ना ताकि हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो। बिल्कुल गलत, ये सब मैंने इसलिए किया है ताकि पप्पू की जिंदगी बर्बाद ना हो, समझी तुम? अरे तेरी तो